एक्सरसाइज 10.2 पेज 171 कॉर्ड ए बी, डायग्राम में हम देख रहे हैं यह है कॉर्ड ए बी। मेक एंगल ए ओ बी ऑन सेंटर, सेंटर पर पॉइंट ए और बी को हमने सेंटर ओ से मिला दिया तो एंगल ए ओ बी बन गया, इसको हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। तो इस कॉर्ड ए बी ने सेंटर पर एंगल बना दिया एंगल ए ओ बी। अब ये कॉर्ड ए बी और भी एंगल बना सकती है, कॉर्ड ए बी मेक एंगल ए पी बी। ये हमने ये जो मेजर आर्क है बी ए, इस पर पॉइंट पी ले लिया, ए को पी से और बी को पी से मिला दिया तो ये एंगल ए पी बी बन गया। तो कॉर्ड ए बी मेक एंगल ए पी बी ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर यानी कि मेजर आर्क पर हमने पॉइंट पी लिया और यह बन गया एंगल ए पी बी। इसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल भी कहते हैं। सेंटर पर अगर एंगल बनाया है कॉर्ड ने उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। और सेंट्रल एंगल के अलावा अगर वो एंगल सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है उसको हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। उसके बाद कॉर्ड ए बी ने एक एंगल और बनाया, एंगल ए एस बी ऑन माइनर आर्क ए बी। नीचे जो माइनर आर्क देख रहे हैं उस पर एस पॉइंट लिया, एस को ए से और बी से मिला दिया तो एंगल ए एस बी ये दूसरा इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो इस प्रकार से एक कॉर्ड सेंटर पे भी एंगल बना सकती है और रिमेनिंग पार्ट में यानी कि माइनर आर्क और मेजर आर्क पर भी इंस्क्राइब्ड एंगल बना सकती है। अब आते हैं हम थ्योरम 10.1 पर। थ्योरम 10.1, इट इज गिवन दैट, थ्योरम ये है, टू इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर इन ए सर्कल। किसी भी सर्कल में अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके द्वारा बनाए गए सेंट्रल एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम पहले एक सर्कल बनाएंगे और उसमें सेंटर ओ ले लेंगे और उसके अंदर हम टू इक्वल कॉर्ड्स बना देंगे, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं इन ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, इनको मिला देंगे, उससे सेंट्रल एंगल बन गए एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमको ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल ओ सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ओ ए इक्वल टू ओ सी, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ बी इक्वल टू ओ डी, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये गिवन ही है। तो इस प्रकार से ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ओ सी डी के। रीजन साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल ए ओ बी और सी ओ डी भी इक्वल होंगे बाई सी बी सी टी। एक्सरसाइज 10.2, पिछली जो हमने थ्योरम की है ये हमारे सिलेबस में है, एक थ्योरम और भी है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ये है कि अगर एंगल इक्वल हो, सेंट्रल एंगल इक्वल हो तो उनके द्वारा बनाए गए कोड भी इक्वल होते हैं, उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे गिवन को चेंज कर देंगे और टू प्रूव को चेंज कर देंगे, बाकी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके वो उस बात को भी हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल है तो कोड भी इक्वल होंगे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन दैट देयर आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ऐसा गिवन है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल गिवन है, तो हमने दो सर्कल बना दिए। अब ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? इफ दे हैव सेम रेडियाई, अगर उनके रेडियस इक्वल हो। ये जहां ये लाइट का निशान पड़ रहा है यहां पर ए पॉइंट है, ये है ए पॉइंट, तो ये रेडियस ओ ए रेडियस पी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल है, सेम टू सेम है। ऐसे ही जो रेडियस ओ बी है वो रेडियस पी डी का इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे।
तो गिवन यह है कि ये जो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं इसमें दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, इसमें दोनों कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल है। इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड पी और पी सेंटर, इनका टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इन दी सर्कल्स। टू प्रूव, प्रूव करना है कि इफ देयर आर टू इक्वल कॉर्ड्स इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, तो सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएंगे, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये है सेंट्रल एंगल, सेंटर पर बने हैं तो सेंट्रल एंगल कहलाएंगे। तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी सी डी क्या इक्वल है, एक तो ओ ए इक्वल टू पी सी रीजन रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, उसके बाद है ओ बी इक्वल टू पी डी रीजन रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, उसके बाद है कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं गिवन, तो तीन साइड इक्वल होगी दोनों ट्राइंगल में। एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी सी डी, अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी पी डी बाई सी पी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2, इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैविंग सेंटर्स ओ एंड पी, ये जो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और इसमें सेंटर हैं ओ एंड पी, एंड टू इक्वल सेंट्रल एंगल, इसमें टू इक्वल सेंट्रल एंगल्स हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये टू इक्वल सेंट्रल एंगल हैं, तो हमको ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। इफ सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल, तो ये जो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी होगी ये भी इक्वल होगी, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है, उसमें हमको सेंट्रल एंगल इक्वल प्रूव करने थे, इसमें गिवन है और इसमें प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल हों। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी सी डी क्या का इक्वल है, एक तो रेडियस ओ ए इक्वल टू पी सी रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, ओ बी इक्वल टू पी डी रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी पी बी गिवन है। तो इस प्रकार से दोनों ट्राइंगल होगी कॉन्ग्रुएंट रीजन एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, तो देयर फॉर ए बी इक्वल टू सी डी सी पी सी डी। तो आज हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई, इनको अच्छी तरह से देखकर समझकर फेयर कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू।